नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हिंदू वोट बैंक, जातीय गोलाबंदी, अड़ाणी मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि हम सारे हिंदू एक हैं, वो कहते हैं हम सबको लेके चलते, जितना जाति का महीन ताना बाना वो करते सपा बीएसपी नहीं कर पाती का। ये कहते जरूर है, मैं खुद रहा हूँ उस पार्टी में। अगर मान लीजिए कोई धोबी समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो हरियाणा से या दिल्ली से भी धोबी खोजेंगे कि उसी जाति का वहाँ आदमी पहुँचा। कांग्रेस 85-15 का कभी नहीं किया था और सबको लेके चल और जब ये देश बन पाया। लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने सोशल जस्टिस का काम किया, लेकिन कई दशक से हमारी कमजोरी रही कि हमने सबके लिए काम किया। जो 1585 वाले हैं, इन्होंने 1585 कहा तो क्या जरूर, लेकिन जब इनकी सरकारें साझा बनी तो 1585 के लिए कभी कुछ नहीं किया। बड़े पूंजी पैदा खरीद करके इन्होंने 23 करोड़ और गरीबों की संख्या बढ़ाई है। शर्म आनी चाहिए कि जब ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है और दूसरी तरीके से यह भी कहते हैं कि 80 करोड़ को राशन हम दे रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।